ঠলো টটরানিকা হাতে মিয়ে পেই আমার ঠলো খাতে আন টটন কথা কি বুঝলে এবার ভাই কাছে কাছে ভাই কাছে তুই দিন ওয়াটার সাইকেল হল দাদা ঠিক আছে দাদা আমি সোনাই বালা আমি তোমায় ভালোবাসি স্বাগত গাইস এক নয়া ভিডিও মে लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया, तबीयत ख़राब था। तो आज का वीडियो मैं लास्ट 14 दिन में जो भी कुछ किए ये 14-15 दिन में वो सब एक जगह में करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं, घर से बाहर निकला नहीं। आज तक किसी भी ट्रिप में बुखार नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आके हुआ पता नहीं क्यों, और फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ा किसी कंट्री के बाहर। लास्ट कुछ दिनों से बीमार हूँ तो बुखार गला दर्द वगैरह वगैरह लास्ट 5-6 दिन हो गया, कहीं घूमने नहीं गया, घर पे हूँ मैं, भैया के घर में। तो मेडिसिन देख रहा था मैं बांग्लादेश का, जो मेडिसिन खा रहा हूँ मैं फिलहाल, और ये मेडिसिन ऐसा है कि बहुत क्लीन है, मेडिसिन के पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, कभी कभी नाम पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ का मेडिसिन देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लीन। मेडिसिन का नाम, ये मेडिसिन में क्या यूज़ हुआ है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नंबर और ब्रांड का नंबर और डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे है नीचे। सेम इसको देखो, ये भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, ये भी बहुत ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और लास्ट कुछ दिनों से कहीं मैं गया नहीं मैं घूमने के लिए, इतना बुखार वगैरह की वजह से। आज भी बुखार आया, मुझे लगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ। भैया एक्चुअली बहुत पहले से ही बोल रहा है कि डॉक्टर दिखाओ, फिर भी मना किया मैंने, लेकिन भाई बहुत दिन हो गया। और वैसे एक फैमिली डॉक्टर के साथ फ़ोन पे बात करके मेडिसिन लिया था। तो आज एक सब्सक्राइबर है मेरा सागरदा, जो पहले भी मिला था, तो वो रेगुलर अपडेट लेता रहता था, मतलब बुखार कैसा है, तबीयत कैसा है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, वो भी एक्चुअली मेरा वीडियोज़ देखते, मीटअप में भी आए थे। तो उनका जो हॉस्पिटल है वो मेरा एकदम घर के पास है, जहाँ मैं रुका हूँ इसके पास ही है। तो इसीलिए डिसाइड किया कि चलो एक बार जाके चेकअप करवा लेते हैं, बहुत दिन हो गया। আমার এমনি ভয় লাগে কিন্তু ইন্দুশো না দেখা যায় যে যখন বেশি টেনশনে থাকে ওই সময় আর ওই সময় হলো ঝামেলাগুলো ব্যথা একদম বুঝছি না আর কি। আমার বাপে মানে মেরা ঘর কে আসপাস যো খুন লেতে তিন আলাদা আলাদা লেনে সে তিন আলাদা আলাদা তিন বার ডালতে অন্দর ইনি তো আচ্ছা একই বার মে নিকল গয়া। सो यही है तुहिंदा जिन्होंने यहाँ पे लेके आए मुझे। अभी रात के हो रहा है 11:30 बजे ना, 11:30 हाँ। सर ने बहुत अच्छे से सब कुछ चेक किया, बहुत सारा सवाल जवाब किया, करने के बाद दो मेडिसिन दिया बस, पहले तीन ले रहा था वो चेंज करके अभी दो दिया, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, उसका रिपोर्ट कल आएगा, और कल जब आएगा उस टाइम पता चलेगा। और थैंक यू सो मच दादा, अरे थैंक्स थैंक्स। ये सर यहाँ जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लिया, थैंक यू। अपना नाम? मेरा नाम फैसल है। फैसल, अच्छा अच्छा फैसल, थैंक यू थैंक यू। सो यहाँ पे ना जितना सारा टेस्ट वगैरह करवाया, सर को दिखाया, फिर एक्सरे करवाया, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, तो पैसा इन्होंने रखा नहीं, पैसा नहीं रखा। अरे थैंक यू थैंक यू। सुस्त है, घूरे देखे आशी तैले देखो ऊपर हो। मैं ढाका में जहाँ पे रहता हूँ यहाँ के आसपास के बच्चे ये सब, तो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि वीडियो में आना है आना है, तो आज आ गए। एक बार हेलो करिए दो। और एक दिन गया मैं यहाँ पे जो सामान है उसका प्राइस वगैरह चेक करने के लिए कि इंडिया के साथ यहाँ का जो प्राइस है सामान का कितना डिफरेंस है। जैसे जो चीज़ हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं, चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया, साबुन पानी कुछ भी, उसका प्राइस बांग्लादेश में कितना है, कैसा है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, वो एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जा रहा हूँ एक स्टोर पर जहाँ पर ये सब सामान अवेलेबल है, और वहाँ पे जाके देखते कि प्राइस कैसा है। सो किटकैट का जो प्राइस है ये है 3 का 150 रुपये, मतलब एक का प्राइस 50 रुपये करके,
ये किटकिट का प्राइस 95 रुपीज़, ये शायद हमारे इंडिया में 10 रुपये या 20 रुपये में है, वो यहाँ पे 50 रुपये। फिर डेयरी मिल्क ये 10 रुपये इंडिया में, यहाँ पे देखना होगा कितना है, ये डेयरी मिल्क भी 50 रुपये। फिर कुरकुरे जो हमारे उधर 20 रुपये है, वो यहाँ पे 50 रुपये। साइज़ तो देख के 20 रुपये वाला साइज़ ही लग रहा है, यह थोड़ा सा बड़ा है। प्राइस देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक जो चीज़ देखा मैंने, काफ़ी ज़्यादा है प्राइस, महंगा है। और क्या है, और भी काफ़ी सारा चीज़ है, जैसे हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, हमारे उधर जो भी मिलता है वो सारा कुछ है। सो ये सब का जो प्राइस है यहाँ पे है 25 टका, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में 18 रुपये जैसा, जो यहाँ पे सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, इंडिया में ये 20 रुपये है। और यहाँ पे कुरकुरे का एक चिकन फ्लेवर में मिल रहा है, पता नहीं है हमारे उधर मिलता है कि नहीं मिलता, कोई आइडिया नहीं है। ये चिली लिखा हुआ है, चिली चटका, और ये मतलब चिली ज़्यादा होगा इसमें। सो ये भी मैंने देखा नहीं कुरकुरे का ये फ्लेवर, ये तो चलो कलर है, सेम सिमिलर है तो पता चल रहा है। इसका प्राइस है 420 रुपये। एक लीटर सनफ्लावर ऑयल का प्राइस है 420 रुपीज़ इंडिया में, मुझे पता नहीं कितना है। ये छोटा वाला पैकेट जो हमारे ऊपर 10 रुपये है शायद, वो यहाँ पे 20 टका है। अब आते हैं मैगी में, मैगी में देखो ये अंडा फ्लेवर दिख रहा है मुझे, इसका प्राइस है 137 रुपीज़ टका। और एक है ये चिली फ्लेवर। और अब तक मतलब बुखार वगैरह ठीक ठाक हो गया था, और मैं निकलने वाला था बरिशाल जाने के लिए, सामान वगैरह पैक कर रहा था निकलने के लिए, मतलब 2 घंटे बाद निकल जाऊंगा मैं। और उसी टाइम शुभो का कॉल आता है और बोल रहा है कि आज मुशरफ करीम सर के साथ मिलने का चांस है, तो अब क्या, बरिशाल जाना कैंसिल। और मैं गया मुशरफ करीम सर के साथ मिलने के लिए। सो भाई अभी रात के हो रहे हैं 9:30, और मैं अभी जा रहा हूँ मुशरफ करीम सर से मिलने के लिए। अचानक से एक सोर्स से पता चला कि मैं अभी मिल सकता हूँ, तो उसका वजह से मैं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ना लग नहीं रहा कि मैं मिल पाऊँगा, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं मिल नहीं पाऊँगा आज। लेकिन जो इंसान वहाँ पर अभी भी खड़ा है, मतलब मुशरफ करीम सर का घर के पास, उन्होंने बोला कि मिलना है तो अभी आ जाओ, कल फिर से वो गायब हो जाएंगे, मतलब अपना शूट के लिए बिजी हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। बात यह है ना कि आज से, मतलब जब से बांग्लादेश आया हूँ, तब से जिनको भी मतलब मिल रहा हूँ मैं, जिनसे भी मिल रहा हूँ, सबको कि सबको ही बोल रहा हूँ मैं कि मुशरफ करीम सर से मिलवा देने के लिए। आपको याद होगा शुभ्रोदा, जो बाइक बीडी का शुभ्रोदा है, उनको बोला था मैंने, तो उन्होंने साथ साथ ही किसी को फ़ोन किया था, फरहाद भाई, और उन्होंने मुशरफ करीम सर के साथ मिलवा दिया, तो वो फ़िलहाल मेरे यहाँ पे है। हेलो, सो थैंक यू सो मच मिलवाने के लिए। और मैंने अनेक अनेक थैंक्स हमें कि कमु जाए ना, मैंने हमें पूरा मैंने আমার কোনের কিছু পাইতাছিনা আমি কোনের কিছু তো অনেক থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ আসলে সত্যি কথা বলতে, তুমি যখন থেকে বাংলাদেশে আসছো, হ্যাঁ, তো দাদা যখন আমাকে ফোন দিয়েছে যে উনি বাংলাদেশে আসছে, ইভেন ওনার সাথে যদি মোশাররফ করিমের দেখা না হয় তাহলে ওনার এই বাংলাদেশে আসার ট্যুরটা অপূর্ণ থেকে যাবে। যখন আমি এই কথাটা শুনছি, দেন আমি সাথে সাথে বলছি যে ইনশাল্লাহ ওনার আশা পূরণ হবে, যদি উনি বাংলাদেশে থাকে ওনার সাথে ওনার দেখা হবে। অ্যান্ড আমার বাসা আর মোশাররফ করিম ভাইয়ের বাসা একদম কাছাকাছি আর কি, 2 মিনিটের রাস্তা, তো দেন আমি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করি, উনি তখন ইন্ডিয়াতে থাকে। দেন উনি আজকে ইন্ডিয়া থেকে 7টা বাজে হচ্ছে বাংলাদেশে নামছে, আমি তার আগে থেকে জানি যে উনি আজকে নামবে। দেন আমি বাইরে 5টার সময় কনফার্ম করি যে উনি আজকে 7টার দিকে নামবে, আপনি রেডি থাকেন। দেন ইফতারের পর আমি বাইরে ফোন দিয়ে ভাইয়ের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়, দেন ফাইনালি ভিডিওতে দেখতেই পারবেন যে আমাদের সাথে মোশাররফ করিম ভাইয়ের দেখা হয়ে গেছে অলরেডি। ইভেন ওনার সাথে আমরা 1 ঘন্টারও উপরে আড্ডা দিছি, বাই ট্যুর দিছি, কিন্তু আনন্দ আমার বেশি লাগতেছে যে ভাইয়ের আশাটা আমি পূরণ করতে পারছি, থ্যাংকস টু শুভ্র সেন দাদা। দাদা যদি আমাকে না বলতো তাহলে এটা পসিবল ছিল না।
তো দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সত্যি কথা বলতে যে আপনি ইন্ডিয়া থেকে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসছেন, তো আমরা চাই না যে আপনি বাংলাদেশ থেকে কোনো অপূর্ণতা নিয়ে ইন্ডিয়াতে ব্যাক করেন। তো এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি লাগছে যে এটা অন্তত হইতে দেওয়া যাবে না, তো আপনার আশা পূরণ হয়েছে, এটাই আমার কাছে বেশি ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার আশা পূরণ করার লিগা। जब से मैं बांग्लादेश आया हूँ तब से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिप तो चलो वो होता रहता है, ठीक है, लेकिन मेरा इस बार का ट्रिप का एक मकसद था कि मैं मुशर्रफ करीम सर के साथ मिलूँ, जिनका नाटक ड्रामा देखता रहता हूँ मैं, मतलब कॉलेज टाइम से देखते रहता हूँ मैं। मान लो आज से कितना साल, 16 साल 17 साल पहले से। सो उस टाइम जब मैं ड्रामा देखता था तो मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे चिढ़ाते थे कि क्यों देख रहे हो ड्रामा। लेकिन उसके बाद अभी ऐसा सीन है कि जो फ्रेंड मुझे चिराते थे वो लोग ये मुशर्रफ करीम सर का मूवीज़ देखते जे। तो फिलहाल बांग्लादेश में आने के बाद से ना मैं बहुत लोगों को बोला कि उनसे मिलवा दो। मुझे लग रहा था कि पहले तो लगा कि मिल नहीं पाऊँगा, ठीक है, ऑब्वियसली कैसे सोर्स मिलेगा मुझे, कहाँ से सोर्स मिलेगा। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लगा कि मतलब मैं मिल लूँगा उनसे, ऐसा लगा कि मतलब दुनिया का सारा ताकत, वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, ताकत मुझे फोर्स कर रहा है मतलब मिलवाने के लिए, वैसा वाला सीन हो गया था, ठीक है। जैसे न्यूज़ में आया था, News24 में आ गया और उसमें ऑलमोस्ट 5 मिलियन के आसपास व्यूज़ आया और वहाँ से मुझे 2-3 लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। फिर मेरा और एक भैया है जो नाटक करते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने मुझे मुशर्रफ करीम सर का नंबर दिया। फिर शुभोदा के साथ बात हुआ बाइक बीडी का, उनका थ्रू फराद भाई के साथ बात हुआ, ठीक है। तो चारों तरफ से मतलब हो रहा था कि प्लानिंग हो रहा था कि मिलेंगे, लेकिन एट लास्ट फराद भाई ने मिलवा दिया। और बात ऐसा था, मेरे पास नंबर था लेकिन मैंने कॉल नहीं किया उनको, क्योंकि होता है ना, एक प्राइवेसी होता है सबका, वो सोच के मैंने कॉल नहीं किया। मुझे लगा कि लास्ट में जब एक अगर मिल नहीं पाऊँगा उस टाइम एक बार कॉल या मैसेज करके ट्राई करूँगा। लास्ट दिन इतना दिन बुखार था मैं, ठीक है, बुखार के वजह से कहीं पर भी जा नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है कि जो बुखार हुआ है ये अच्छा हुआ है मेरे लिए कि मैं बुखार बीमार था, बुखार होने की वजह से मैं ढाका में रहा और आज मैं मिल लिया मुशर्रफ करीम सर से। ठीक है सर, तैल दादा, अरे थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तुम्हें एरिया के लिए जाना है और क्या हमारे, ठीक है, चलो भाई। हाँ, वो याद है ना कि किसी दिल को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने का कोई, वैसा टाइप का सीन हो गया था। पता है यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ भी मिल रहा हूँ ना मैं, वही मुझे मतलब मुशर्रफ करीम सर के साथ मिलवा देगा, वैसा वाला फील हो रहा था। मैं तो पूरा इमोशनल हो गया देखने के साथ साथ, मतलब क्या बोलूँ मैं, पता नहीं कहाँ से रोना आ गया मुझे, मैं तो रो दिया सामने, ठीक है, बाद में शर्म भी आ रहा था थोड़ा। लेकिन वही बात है। और उसी बीच मैं गया मैं भैया भाभी के साथ किसी एक रेस्टोरेंट में, बगल में एक रेस्टोरेंट था, तबीयत थोड़ा सा ठीक हो रहा था, बाहर चले गए खाने के लिए। सो लास्ट कुछ दिनों से जैसे कि मैंने बताया तबीयत थोड़ा ख़राब है और आज थोड़ा सा सही हुआ तबीयत और मैं आया हूँ यहाँ पे भैया भाभी के साथ, बगल में एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। दादा एक बार हाई कर दो, बेबी हाई करो, हाई करो, हाई। আমি 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 স্কুলে আছে। আর ইধর ভাবি পাপা মুঝে আমার পাপা আমার পাপা। প্রাইস কেসা একবার দিখা তো। ইধর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই 80 রুপে, চিকেন ফ্রাই 110, বারবিকিউ লেগ ये क्या है पता नहीं 120। इधर ना बीफ बहुत नॉर्मल है इधर बांग्लादेश में, तो यहाँ बांग्लादेश में ना बीफ हर एक रेस्टोरेंट में मिलता है। यहाँ पे बीफ बर्गर भी मिल रहा है जिसका प्राइस है 200 रुपये और 230 विथ चीज़। सो आ गया हमारा ये चाउमीन जो है बहुत ही मोटा है, ये शायद वो बोलते स्पगेटी या स्पगेटी बोलते शायद वो है, शायद पता नहीं, मुझे थाईलैंड में जाके यही खाया था मैंने। इधर बोल रहे हैं कि वेज चाउमीन में भी अंडा देते हैं। अच्छा, स्पाइसी भी है। बांग्लादेश में आके मैंने एक मीटअप किया और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा लोग आएंगे, मुझे लगा कि 10-15 लोग ही आएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आए। और ये जो मीटअप है ये काफ़ी पुराना वीडियो है, मतलब बीमार होने से पहले का वीडियो है। तो वो मीटअप का जो कुछ कुछ सेक्शंस है, मीटअप का जो कुछ कुछ फुटेज है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा यहाँ पे है सब। हेलो कैमन आछो भाई? হ্যাঁ ভালো 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 ইন্ডিয়ান টাইমে সরি 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 ভালো 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 সবাই ভালো আছো? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো ভালো খুব ভালো। হ্যাঁ ভালো ভালো হ্যাঁ থ্যাংকস থ্যাংকস। হ্যাঁ ঠিক আছে। अरे नमन ना किल ले ना अरे ना अरे किल ले गया अरे करो अरे यार दादा तो बोध के नहीं आशा ना क्या आज भी आज झूले 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 जी मैं ना दादा तो मैं अरे तो ले तो आपका जो नाम से दादा अरे আজি মিটা পান থসু এপি হাবিয়া নাইয়া মরে মাতলা মর আমার ঠাল্ল টটরানিকা হাতে মি এপি আমার ঠাল্ল খাতে টটনা কি বুঝলে तो ये जो भैया है ये 350 किलोमीटर दूर से आए बस मिलने के लिए और भी बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ढाका में 40-50 किलोमीटर मतलब तीन चार घंटा हाँ ये 300 किलोमीटर दूर से আমাদের মনে দুঃখ উনি তো নন মানে নন ভেজ 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 তো কিছু তো আনতে পারিনি আমার কাছে পেয়ারা নিয়ে আসছি আরে এটা লাল পেয়ারা খেয়ে মজা হবে থ্যাংক ইউ আরো একটা আছে আরে আরে থ্যাংক ইউ আপনাকে খুশি আমি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এদিকে তাকিয়ে এদিকে চলে আসো হ্যাঁ এই ক্যামেরা সো মে ভেজ খাতা হু নন ভেজ নেই খাতা ইসকে ওয়জহ সে গুয়াভা অরেঞ্জ ইয়ে সব লাই ঠিক আছে ঝুলে 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 বাংলাদেশে ভ্রমণ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা চাই তুমি বাংলাদেশ ঘুরে দেখো আমাদের আতিথেয়তায় এই জন্য ওনাকে রাস্তাঘাটে যেখানেই পাবেন যে আমাদের ভিডিও দেখতেছেন ওনাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বুঝাতে আমরা বাংলাদেশে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাংলাদেশের পতাকার সিম্বল দিয়ে এটা আমাদের কমন একটা ক্রেস্ট।
বাইকার অনেক বন্ধুবান্ধব, সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসে। তো আমরা কখনোই ভারতের কোনো বাইকারকে আলাদা চোখে দেখি না, যখনই একজন বাইকার আসে আমরা সবাই চেষ্টা করি যতটুক দিয়ে যতটুক দিয়ে ভালো দেওয়া যায়। দাদা বাইক বিডি, না আপনার ব্লগগুলো দেখি আমার ভালো লাগে, আমার হাজবেন্ডও দেখে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভালো ভালো ভালো, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ও আসার কথা, ও বোধহয় আটকা পড়ে গেছে, আমাকে বলো তুমি যাও আমি আসছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি আপনাকে চিনছি এই ভাইয়ার মাধ্যমে। আচ্ছা, এবং অনেকেই চিনছে। আপনি আসছেন, উনি সকাল থেকে এক্সাইটেড আপনার সাথে। আমরা সবাই মিলে আপনাকে একটা তোলার লোক নাই আশেপাশে, তার ভিতরে ওই পা বাজা অবস্থায় হইলো ক্যামেরা সেট করছিলাম, মানে হেলমেটটা খুললা রাখছিলাম, তো হেলমেটটা অন আসলো আর কি। ওই মুহূর্তে যে মাথায় আসে যে ওইটা ওর পা আটকানো পিছনে, তার ভিতরে হলো সে ভিডিও করতেছে যে হলো আশেপাশে কোনো লোক নাই, আমি উঠবো কিভাবে। আমরা অভিজিৎ যে জিনিসটা বলি সেটা হচ্ছে অলওয়েজ স্মাইলিং, প্রত্যেকটা পয়েন্টে সে কিন্তু ব্রিফিং দিতে যেতে চায়। এই জিনিসটা আমরা কিন্তু রিপোর্ট এবং আমাদের আরেকজন নাই ভাই, উনি আবার কমান্ডো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিও দেখতে আপনারা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ফেলাদের তোমার লাগে আরে বাহ, সব লোক আয়ে পে খানা খানে কে বাইক বিডি কো বহুত বহুত থ্যাংকস, ইয়ে মিটআপ অর্গানাইজ করতে লিয়ে মুঝে একচুয়ালি পতা নাই থা কি ইতনা জ্যাদা লোক আয়েঙ্গে, মুঝে লাগা 10-15 লোক হোঙ্গে, লেকিন বহুত জ্যাদা লোক আগে, সো উসকে লিয়ে বহুত বহুত শুক্রিয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জো ভি আয়ে জো নহি আয়ে উনকো ভি মেসেজ মে বহুত সারা মেসেজেস মিলা মুঝে, কুছ কুছ রিজন কি ওয়াজে আ নাই পায়ে, মিলেঙ্গে কবি না কবি, বাই বাই। Thank you.